वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स CBSE क्लास 11th का ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस में है 2021 और 2022 का, तो ध्यान दीजिएगा सीरीज़ पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें बात की गई है इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी रेफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स बाय विच द पीपल अर्न देयर लिविंग। मतलब कि ऐसा प्रोडक्शन यूनिट्स जिसके थ्रू पीपल्स अपनी अर्निंग करते हैं जीने के लिए, लिविंग के लिए। और जबकि इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाई, ये बेसिकली ये स्टडी करता है हाउ ए सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कैसे वो अपने कोई भी सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करती है, विच हैव अल्टरनेट यूज, जिसका अल्टरनेट यूज होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स। उनको प्रोड्यूस करना, बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, ठीक है, एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन डांट्स। ह्यूमन की जो वांट्स होता है, मतलब कि ह्यूमन का जो ज़रूरत होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसको किस तरीके से उन लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दैट इज़ द थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स मतलब कि लोगों की ज़रूरत तो अनलिमिटेड है, आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिनको हमें पूरे के पूरे इकोनॉमी के जितने भी मतलब सिटीजन्स हैं, जितने पीपल्स हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए हैविंग अल्टरनेट यूज, और जिनका अल्टरनेट यूज भी है, मतलब एक ही चीज़ का हम एक जगह के अलावा दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कैरिसिटी। मतलब कि सबके सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, उन सबका मेन रूट है स्कैरिसिटी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्कैरिसिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब सप्लाई का लिमिटेशन है, गुड्स का लिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है, जबकि डिमांड आपकी जो है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मेन क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज भी हैं। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या हैं? एक तो जैसे हमने अभी बात करी कि स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत ही कम अवेलेबल है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट जबकि अनलिमिटेड है, जितना मर्जी रिसोर्सेज मिले उससे वो कम ही लगता है। एंड अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलावा रिसोर्सेज का अलग अलग इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज यानी कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इज़ लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग वो लिमिटेड ही अवेलेबल है। एंड द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, जितना पीपल चाहते हैं सबका सब तो कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इट इज़ द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमिक्स। मतलब सबके सब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है मेन यहीं से निकलती है। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटीज इन एवरी इकोनॉमी, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, या डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो। नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन रिच इन ऑल द रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज में कोई भी इकोनॉमी चाहे वो डेवलप्ड ही क्यों ना हो, रिसोर्सेज मतलब उसमें अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, रिच नहीं है वो। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नो स्केयर, मतलब अगर रिसोर्सेज स्केयर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। ह्यूमन वांट्स देखो नेवर एंडिंग है, वो एक इंसान को चीज़ मिलती जरूर चाहता है कि हमें ये और मिल जाए। दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, एज सुन एज वन वांट्स इट सेटिस्फाइड अनदर वांट न्यू वांट इज एमर्ज। मतलब कि एक वांट खत्म, एक जरूरत खत्म होती है दूसरी सामने आ जाती है। वांट्स ऑफ द पीपल्स आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, से कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़ भी उसकी अलग अलग होती है, उसकी कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। ऑल द वांट्स आर नॉट इक्वल इंटेंसिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब कुछ वो चाहता है कि जरूरत मेरी अभी भी पूरी हो जाए, बहुत अर्जेंट होती है, और कुछ होती है कि जो सेक्रीफाइस किया जा सकता है। हेंस द पीपल एलोकेट द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंसेज। प्रेफरेंसेज मतलब कि वो ये चाहता है कि भाई हमें इसको जरूरत को पहले पूरा किया जाए और उस जरूरत को बाद में पूरा किया जाए। खाने पीने की जरूरत है, उसकी जरूरत को पहले पूरा करेगा टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि
अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की। इसमें अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो भी पुट ऑन द वेरियस यूज, मतलब उनका अलग अलग जगह कई की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मेक च्वाइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए च्वाइस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक चीज़ के कई इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल लैंड कैन बी यूज फॉर द फार्मिंग, सेटिंग अप द फैक्ट्री इन द और स्कूल्स, कुछ भी कर सकते हैं लैंड पे दम। एज ए रिजल्ट द इकोनॉमी हैज़ टू मेक ए च्वाइस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द गिवन स्केयर रिसोर्सेज, उसके बीच में किसी भी इकोनॉमी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करे। जैसे इस एग्जाम्पल में लैंड का इस्तेमाल वो फार्मिंग में करें, फैक्ट्री में करें या स्कूल में करें। इफ़ वन रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ओनली वन यूज देयर वुड बी नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अगर एक चीज़ का एक ही इस्तेमाल है, मतलब लैंड है उसका एक ही इस्तेमाल है फार्मिंग का और कुछ करना ही नहीं है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। टू फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज आर स्केयर्ड एंड लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज आर अल्टरनेट यूजेस भी हैं। टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स में क्या खास बात होती है, दे आर अनलिमिटेड, दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज में डिफेंड करता है, सम वांट्स आर मोर बेसिक एंड अर्जेंट एंड मे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन देन द अदर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज का एलोकेशन हम कैसे करें। एवरी इकोनॉमी फेसिस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्केयर्ड रिसोर्सेज, स्केयर्ड रिसोर्सेज मतलब जो कम अवेलेबल है, हैविंग अल्टरनेटिव यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इन सच ए मैनर दैट इट आइडियली मीट्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी की सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके ओवरऑल। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व होता है, प्रोड्यूस्ड अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी इन अन ऑप्टिमल मैनर। ऑप्टिमल मैनर मतलब सही तरीके से इस्तेमाल हो, रिसोर्सेज का बर्बादी भी ना हो। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन वुड नॉट अराइज इफ द रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेट यूज, ना हो तो प्रॉब्लम जनरेट ऐसी होगी ही नहीं। इफ़ ए रिसोर्स हाँ तो हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन वुड नॉट अराइज इफ द रिसोर्सेज डू नॉट हैव द अल्टरनेट यूजेस, इफ द रिसोर्सेज कैन बी पुट ओनली इन टू ए स्पेसिफिक यूज देन द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन वुड नॉट बी अराइज, होगी नहीं प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं फेस्ड बाय द एवरी इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो सभी सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, जो मतलब मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो पूरी पूरी कंट्री पे की प्रॉब्लम्स होती हैं। अन इकोनॉमी हैज़ टू एलोकेट इट्स स्केयर रिसोर्सेज आफ्टर चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट पोटेंशियल बंडल्स, जो उसको यूज़ करने होते हैं फॉर द गुड्स ऑफ टू बी प्रोड्यूस, सिलेक्ट द टेक्निक, टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑफ द प्रोडक्शन एंड आल्सो डिसाइड एज टू हाउ द आउटपुट थस प्रोड्यूस्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। देखो तीन तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, कि उसको कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करना है, पोटेंशियली बनाना है, और फिर उसमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और ये भी डिसाइड करना है कि उस आउटपुट को जो आया उसको किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इकोनॉमी कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर थ्री हेड्स, जो अभी हमने बात करी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितनी क्वांटिटी में। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए और कौन सी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए ऑफ ईच सिलेक्टेड कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब प्रोडक्ट हो गया। इट अराइजेस सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इन द इकोनॉमी एंड कैन बी पुट ऑन टू बी अल्टरनेट यूजेस। Producing more of one goods usually means less resources will be available for the production of other goods. अगर सोचिए अगर हमने एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो दूसरे के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स यूजिंग सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। प्रोडक्शन ऑफ मोर वार गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ द सिविल गुड्स, तभी कर पाएंगे जब उसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे सिविल गुड्स को। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस गुड्स अन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन वॉट क्वान्टिटीज, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वान्टिटी में, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ वट टू प्रोड्यूस है द टू एक्सपेक्ट, इसके भी दो एक्सपेक्ट हैं, वट पॉसिबल कम्युनिटीज टू प्रोड्यूस
कौन सी प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाए एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स यानी कि राइस हो गया, वीट हो गया, क्लोथ्स हो गया एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स यानी कि जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक ए चॉइस बिटवीन द सिविल गुड्स यानी कि ब्रेड बटर वगैरह हो गया, खाने पीने की चीज़ें एंड वार गुड्स यानी कि गन्स टैंक्स हो गया जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके बीच में उसको चॉइस करनी पड़ती है। हाउ मच टू प्रोड्यूस आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कम्युनिटी, उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज सिलेक्टेड इन इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स ए डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस, मतलब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया जाए और कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर जो इस्तेमाल की जाती है खाने पीने वगैरह में, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स जो जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, सिविल वार सिविल एंड वार गुड्स एंड सो ऑन। अब देखो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में, द गाइडिंग प्रिंसिपल इज टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट द गिविंग मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन, मतलब ऐसे रिसोर्सेज को हम प्रोड्यूस करेंगे जिससे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कौन सी टेक्निक से उसको प्रोड्यूस किया जाए। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्शन टू बी यूज, मतलब कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो प्रोडक्शन अच्छा हो सके और ज़्यादा हो सके। फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेक्निक वी मीन्स वट पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन, मतलब इनपुट क्या लगाया जाए। ए गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स से कर सकते हैं हम ऑफ द प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉडली द चॉइस इज बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब लेबर इंटेंसिव में क्या होगा जहाँ लेबर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और कैपिटल में जहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। द टेक्निक्स विच यूजेस मोर लेबर एंड लेस कैपिटल मशीन्स इसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे और इसके अपोजिट जिसके अंदर मोर कैपिटल एंड लेस लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द US बींग कैपिटल रिच है वीट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, वाइल इन इंडिया जबकि योग्य लेबर रिच है इस वजह से वीट का प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्निक से किया जाता है। इसमें देखिए गाइडलाइन प्रिंसिपल क्या रहेगा, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द चॉइस ऑफ टेक्निक इज टू अडॉप्ट दैट टेक्निक थ्रू विच मैक्सिमम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस, तो हर को ये चाहेगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके एट ए मिनिमम कॉस्ट और कॉस्ट भी कम लगे, यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल स्क्वेयर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज स्क्वेयर्ड ही है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उसे प्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए करेंगे जो उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट एंड इनकम्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी जितने मेंबर्स हैं किसके लिए उसको प्रोड्यूस किया जाए और फिर प्रोड्यूस करने बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल्स हु वर अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स, जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, वेदर टू प्रोड्यूस और गुड्स फॉर द पुअर, मतलब पुअर्स के लिए गुड्स को बनाएं और लेस फॉर द रिच, रिच के लिए कम बनाएं और मोर फॉर द पुअर और मोर फॉर द रिच एंड द लेस फॉर द पुअर, अमीरों के लिए ज़्यादा बनाएं या गरीबों के लिए ज़्यादा बनाएं, ये भी इसमें सोचना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। सिंस रिसोर्सेज आर स्केर्ड इन एवरी इकोनॉमी नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल, हर एक की वांट्स को पूरा नहीं कर सकता, थस ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज आ जाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल्स हु हैव टू पेइंग कैपेसिटी, तो गुड्स उसी के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जो उसको पे करके खरीद सके। द कैपेसिटी ऑफ द पीपल्स टू पे फॉर द गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, अभी किस पे डिपेंड करेगा उसकी इनकम कितनी है। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल इंटरप्राइजेस हो गया, हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या रहेगा, द गाइडिंग प्रिंसिपल इज टू इंश्योर दैट द मोस्ट अर्जेंट वांट्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो अर्जेंट है और आर फुलफिल्ड फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब कि क्योंकि जो अर्जेंट होगा उसी को लोग ज़्यादा खरीदेंगे, पे करने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और
मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका अगर 12th क्लास में आएगा, अगली बुक से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। देखो इसमें इंडिविजुअल्स की बात की जाती है इकोनॉमिक यूनिट्स की, और जबकि इसके अंदर इस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडीज विद द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट, इसमें एग्रीगेट होता है, इसमें इंडिविजुअल्स होता है, ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। इट मीन्स टूल्स फॉर द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही इसमें निकाला जाता है, और इसके मेन टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि देखो एग्रीगेट पे काम करता है ये, मतलब पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट करके। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज द प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस को डिटरमाइन करना, और इसके अंदर थ्योरी क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम आपका क्लास 12th में आएगा, एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, और इसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और इकोनॉमिक और मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी, और इसके अंदर स्टडी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द कमोडिटी, और स्टडी ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि कितना महंगाई बढ़ रहा है, और जनरल प्राइस लेवल्स इन द इकोनॉमिक। तो ये इसमें डिफरेंसेज हैं जो मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिपेंडेंसी क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टैक्सेशन पॉलिसीज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, मतलब कौन सा टैक्सेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिमांड कमोडिटी की आएगी। अगर टैक्सेशन ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो मतलब ओवरऑल ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होगा। दूसरे एग्जांपल में देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन फैसिकल ईयर कह सकते हैं उसको। तो देखो इसमें जो नेशनल इनकम होती है, मतलब पूरे ओवरऑल कंट्री की इनकम, उसी पे डिपेंड करते हैं कि ओवरऑल सब फैक्टर्स की इनकम कितनी है, चाहे वो इंटरप्राइज हो चाहे वो इंडिविजुअल्स हों। नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली जो कंसेप्ट है उसमें बताया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉर कौन, मतलब कि बेस्ट एंड नेक्स्ट अल्टरनेट उसका क्या है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसको छोड़ के या दूसरी पर्टिकुलर चीज़ को अडेप्ट करोगे तो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो उसके एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एन इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल है, इज गिवन 3 जॉब्स ऑफर्स, नेमली सपोज ए विच में इसमें 20,000 का पे कर रहा है वो, बी में उसको 18,000 मिल रहे हैं, सी में 6,000 मिल रहे हैं, ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग सेम, सबके सब कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें जो उसका सैलरी है वो कम ज़्यादा हो रहा है, पहले में 20,000 था, फिर 18,000 था, फिर 6,000 था। इफ़ ही अवॉइड्स द बेस्ट जॉब ऑफर, ऑब्वियसली वो बेस्ट ही करेगा, जैसे सपोज 20,000 पर मंथ, ही फॉरगोस द नेक्स्ट बेस्ट जॉब, मतलब ओवरऑल उसने कौन सी जॉब को छोड़ा, 18,000 वाले की, और अगर वो 18,000 क्या हो गया उसका, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेट। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर बाकी कंडीशन सेम है तो 20,000 वाला ही सैलरी का चूज करेगा, तो उस केस में वो 18,000 को उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि ये उसकी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल रही थी 18 की भी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नैरोबेटिव इकोनॉमिक। देखो इसके ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव और नैरोबेटिव इकोनॉमिक्स में, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट इज एंड इज ए स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जबकि नैरेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या हो सकता है, एंड व्हाट शुड बी, मतलब ये फ्यूचर्स के बारे में बात होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द एक्चुअल डाटा, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन ये बेस्ड होता है कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड बी एक्चुअल डाटा तो होता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है इसमें। और इसमें क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट इसमें शामिल ही नहीं होता, सो इट इज़ नॉट सजेस्टिव इन नेचर। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट इसमें शामिल होता है, सो इट इज़ इन सजेस्टिव इन नेचर। एग्जाम्पल्स में देखिए, प्राइस लेवल्स इन इंडिया आर राइजिंग, बढ़ते जा रहे हैं, देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैसा होना चाहिए, शुड वाला वर्ड आ रहा है, और इसमें जो हो रहा है उसकी बात होती है। द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कभी भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द मिलते हैं। थैंक यू।